आ गया भाई हाईवे पे रॉन्ग साइड। ये देखो उसको क्या देखना है, देखो रॉन्ग साइड आ रहा हाईवे पे। तो 12 बजे भाई हम निकल रहे हैं। राघव ने तो टी शर्ट चेंज कर लिया, मुझे करनी है अभी। अभी आगे जहाँ भी जगह मिलेगी टी शर्ट बदल लेंगे, क्योंकि शर्ट इसलिए पहनी थी इसमें फोटोज अच्छी आती हैं, और हम बीटल्स आश्रम गए थे फोटोज के लिए। अब अपन थोड़ा सा आगे जाके टी शर्ट पहनेंगे अपनी रेडर्स क्रू। ये मैडम बच्चों को पढ़ा रही है, और अब तो पढ़ा रही है जैसी वीडियो चालू किया। बहुत देर से ये मैडम मोबाइल में लगी हुई थी और बच्चे बैठ के अपना मस्ती कर रहे थे। ऋषिकेश आए और गंगा जल नहीं लिया तो क्या ऋषिकेश आए। ये मीनू जा रही है। मीनू सेंटर में जाओगे भरने? चलो पहुँचो। ओहो ठंडा ठंडा पानी। जय हो गंगा मैया की। तो ये हमारा होटल था भाई, होटल को कर दिया है बाय बाय, और अब जा रहे हैं ऋषिकेश की भीड़ में फंसने के लिए। एक बार फिर फंस गए हम भीड़ में ऋषिकेश की। फंसे हैं जाम में, फालतू की बात कर रहे हो? अच्छा फालतू की कैसे बात कर रहे हो? ऐसा कोई जाम नहीं है, लोगों को फालतू में परेशान कर रहे हो। ऐसा कोई जाम नहीं है, टाइम से हो टाइम से निकलो, तो कोई ऐसा जाम नहीं है, मूविंग ट्रैफिक है। लोग थोड़े से जो लोग ऐसे है ना, जैसे जब बीच में अभी बीच में रोकने की कोशिश कर रहा है ये फंसा देते हैं, बाकी वैसे तो खाली पड़ा आगे। ऐसे लोगों को भैया समझाओ कैसे। देखो खाली रोड पड़ी है, बिल्कुल खाली है जी, बिल्कुल। रोहित यादव जैसे लोगों को जरा सी भी एक दो गाड़ियां भी दिख जाए ना तो ऐसे शोर मचा देते हैं, भीड़ हो रही है भीड़ हो रही है भीड़ हो रही है। कोई भीड़ नहीं हो रही है, खुला पड़ा हुआ है भाई। अब निकले हैं हम 2 बजे यहाँ से, IDPL से 2 बज गए हमारे को। 12 बजे हम आ गए थे शायद यहाँ पे, 12:50 हाँ, मतलब लगभग 2 घंटे हम यहाँ पे रुके, और अब यहाँ से निकले हैं जयपुर के लिए। यहाँ तो जहाँ रुके हैं हाँ, तो हम 5 घंटे 10 घंटे हाँ, मतलब यहाँ पे तो रुकने को तो हम कितनी भी देर रुक सकते हैं, यहाँ तो मन ऐसा लगता है, बट अभी निकलना था तो इसलिए भाई ऑप्शन नहीं थी। फिर आएंगे दोबारा और तरीके झटके। मेन हाईवे पे जाम लगा हुआ था भाई बहुत तगड़ा, इसलिए हमने वहाँ से वापस यू टर्न लिया IDPL से होते हुए। अब हम चिल्ला डैम वाले रास्ते से जा रहे हैं हरिद्वार की तरफ। ये है बैराज। अच्छा ये है चीला डैम, बहुत ही बढ़िया। ये तो ये चलान काट रहे हैं, ये तो अच्छा, ये पुलिस वाले चलान काट रहे हैं बिना हेलमेट वालों का। इसमें तो ठुका हुआ है, कुछ पड़ा था किसका? नहीं इसका तो पंचर हुआ है, इनका तो पंचर हुआ है। बाकी जो बाइकर्स जो है ना चपरी टाइप, उनका चलान काट रहे हैं जो बिना उसके। पीछे आधी सीट वाले भी आएंगे, उनका भी कटेगा। रास्ते की खूबसूरती देखो भाई, ये अपनी रोड है जिसपे हम चल रहे हैं, और साइड में चल रही है गंगा नदी की कोई एक एंशिलरी यूनिट, मतलब एक नहर जो डाइवर्ट कर रखी है, बिल्कुल साथ साथ चलेगी हरिद्वार तक। तो करेंगे पार, पानी तो खैर बहुत कम है, बहुत ही कम है, नॉर्मल कोई भी गाड़ी इजीली पार कर सकती है। बारिश के टाइम में शायद ज्यादा पानी हो जाता होगा। बंद हो जाते हैं बारिशों में तो। अच्छा ये बंद ही हो जाता है? हाँ, ये रास्ता बंद कर देते हैं बारिशों में। फिर कहाँ से आएगा बंदा? भाई मेन रोड। अच्छा मेन रोड से आएगा, यहाँ से आएगा ही नहीं। अब ये जाएगा, ये देखो कनाल के उसपे बाउंड्री पे भी कितनी अच्छी वो बना रखी है। आ रही है कैमरे में? आ जाएंगे शायद, वो सामने की तरफ पूरी कनाल की बाउंड्री में बना रखे हैं कलाकारी चित्रकारी। और वो रहा टूरिस्ट रिजॉर्ट चीला, यहाँ पे एक रिजॉर्ट भी है। अच्छा अभी हम इस पुल को पार करेंगे लेफ्ट साइड में, अब राजा जी नेशनल पार्क आएगा। ओके अब हमने इस कनाल को वापस पार कर लिया, और हमारी राइट साइड में आ रहा है टूरिस्ट रिजॉर्ट। लोग रुकते होंगे खैर यहाँ पे भी, लोकेशन तो अच्छी है। अब राजा जी नेशनल पार्क का मेन गेट आएगा, जी नेशनल पार्क का मेन गेट एंट्रेंस के लिए। और ये खड़ी हुई है जिप्सियां जो अंदर लेकर जाती हैं। ये है एंट्रेंस, इधर मिलते हैं हाथी। इधर तो अपनी गाड़ी भी लेके जा सकते हैं, इधर अपनी गाड़ी ले जाना अलाउड है? बस एक आगे वो बिठाते हैं साथ। अच्छा और ये आगे क्या हो गया भाई? ये लेफ्ट में बोर्ड आएगा, फोटो खिंचा रहे होंगे हम लोग। नहीं कुछ हुआ है? गाड़ी वाला क्यों नहीं निकल रहा? कुछ तो हुआ है, भीड़ लग रही है, क्या हुआ है? लेकिन एक्सीडेंट हुआ है क्या है? ये क्या है? हाँ। ये क्या चीज उठा रहे हैं? हर्थी? अच्छा, पता नहीं क्या बच्चा होगा भाई, इसलिए गुब्बारे लगा रखे हैं।
और ये भाई बाइकर भाई सोलो ट्रेवलर है, अकेला ही, किसी से ना पूछना ना कुछ कि भैया कोई चल रहा है क्या, जैसे हम लोग अपने आरजे वाईसी में पूछते हैं भाई कोई चल रहा है, कोई चल रहा है, कोई नहीं चलता, तो ये बिना पूछे ही निकल लिया अकेला। ये भी वीआईपी जा रहा है साए 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 करता हुआ, जैसे साइकिल वाले चचा भी रॉन्ग साइड आ रहे हैं, इनको भी जिंदगी से प्यार नहीं रहा। दिल्ली रह गया 180 और मेरठ रह गया 119 किलोमीटर। खैर ये रोड तो बढ़िया है, दिल्ली तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके आगे देखते हैं जयपुर वाले रोड पे कितनी भीड़ मिलती है। ये जो गणपति टूरिस्ट ढाबा है ना भाई, इसमें गुप्ता जी की फोटो देखकर ही रोकना है, वैसे नहीं रोकना। तो भाई भगत जी से भी जिनको बालूशाही लेनी हो वो ये वाली फोटो देखकर ओरिजिनल की पहचान करके तभी खरीदे, नहीं तो। और इन ये बैठे हैं कि नहीं बैठे ये भी चेक कर लेना साथ में, क्या पता फोटो लगा दी और खुद ना बैठे हो। RJ14 की बस जा रही है भीलवाड़ा डिपो, नंबर है RJ14, जयपुर की बस है, गंगा दर्शन के लिए आई। अरे भगत जी निकल गए, हमारे फेवरेट भगत जी बालूशाही वाले, फोटो देख कर ही खरीदे, अगर बिना फोटो देखे खरीद ली तो नकली बालूशाही निकलेगी। ये भैया के पास कुछ सामान है एप्पल का, डाउन करने के बाद नीचे लेना। क्या है भैया? सर जी कम रेट में दे रहे हैं। क्या चीज है? एयरपोर्ट? अच्छा नहीं नहीं एप्पल है ही नहीं हमारे पास सर, चल जाएगा आपके इसमें? नहीं इसमें नहीं चलेगा। पहले हमने भाई इस वाली लेन में लगाई थी, एक और खड़ा भैया एयरपोर्ट, और ये देखो एप्पल के एयरपोर्ट्स टोल प्लाजा पे बिक रहे हैं, देख लो ये एप्पल का हाल हो गया भाई, ओरिजिनल एप्पल का माल। तो यूपी के टोल प्लाजा पे मिलता है एप्पल के एयरपोर्ट्स, बेचने वालों को पता नहीं कि क्या चीज है, वो बोलते हैं ऐसे ही कुछ कान में लगाने का, क्या बोलते हैं भैया पॉड, लेकिन बेच रहे हैं, तो एप्पल के मालिक को पता चलेगा कि यूपी में उसका माल टोल पे बिक रहा है तो बेचारे के दिल पे क्या ही बीतेगी, समझ रहे हो ना। मोटरसाइकिल वाला जा रहा है ना भाई, इसने हेलमेट तो दे रखा है बीवी के हाथ में, और शायद इनके साथ एक छोटा सा बच्चा भी बैठा हुआ है ना, और वो देखो कैसे चला रहा है, 90 की स्पीड पे तो मोटरसाइकिल दौड़ा रहा है, और ट्रक हो गाड़ी हो उनके बीच से ऐसे ओवरटेक कर रहा है जैसे आज यमराज छुट्टी पर है बिल्कुल। भाई आज सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ हमारा चल गया है 5 बजे चल गया हमारा ब्रेकफास्ट, लंच हमने किया नहीं, अभी रुके हैं जैन शिकंजी पे, और यहाँ पे शिकंजी पे डोसा खाएंगे, कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स खाएंगे, और फिर निकलेंगे डायरेक्ट जयपुर, देखते हैं अगर डिनर की जरूरत नहीं पड़ी तो डायरेक्ट घर पहुंचेंगे। 2000 रुपए का ऑर्डर ला लिया था, जो टंकी हरियाणा से फुल कराई थी उसका 2000 का ऑर्डर ला लिया था, और अब मेरठ से टंकी फुल करा रहे हैं, इसी टंकी में अपन पहुंच जाएंगे जयपुर आराम से। 5 बजे अपन ने नाश्ता कर लिया था, हल्का फुल्का खा लिया था, रात को देखते हैं डिनर की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं पड़ेगी तो सीधा जयपुर टिका देंगे। 5:50 पे चढ़ गए भाई दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे, देखते हैं अक्षरधाम का कितना टाइम लगता है, टोल पे तो भीड़ हो रही है, लाल ही लाल चमक रहा है सब। कौन सी लेन में ले मैनू, सब पे जाम है, कौन सी चल रही है? ट्रक बस वाली ले लो क्योंकि वो बड़े बड़े हैं ना व्हीकल, जल्दी निकल जाएंगे। हाँ। ऐसा हाँ। चलो देखते हैं। एक्सप्रेस वे पे भाई साइकिल भी चल रही है, साइकिल भी चलो, टू व्हीलर तो फिर भी बहुत सारे दिख गए, और अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि 10,000 रुपये का चलान है एक्सप्रेस वे पे टू व्हीलर लेके चढ़ने का, इसका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे, पहले 5,000 का चलान रखा था, फिर लोग नहीं माने, फिर 10,000 का चलान किया, और यहाँ पे देखो ये यू टर्न भी ले रहे हैं, ये देखो ये स्पीड लिमिट भी 100 की है गाड़ी के लिए, 80 की है ट्रक के लिए, टू व्हीलर की स्पीड लिमिट भी कहीं नहीं लिखी हुई कि भाई टू व्हीलर के लिए कितनी स्पीड लिमिट है। पीछे से एक बाइकर आ रहा है भाई फ्लैश लाइट मारता हुआ, ये करेगा ओवरटेक हमें, ये देखो HR 26 दूसरा ट्रायम्फ वाला, ये अलाउड है? नहीं नहीं कोई अलाउड नहीं है, कोई ऐसे थोड़ी गवर्नमेंट ऐसे सीसी थोड़ी वो कर देगी कि भाई इतने सीसी तक अलाउड है उसके बाद अलाउड नहीं है, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता ना, टू व्हीलर मतलब टू व्हीलर, आपके पास चाहे 1000 cc की बाइक हो चाहे 2000 cc की बाइक हो, जनरली जो बाइकर्स होते हैं वो लोग रूल्स तो ब्रेक नहीं करते हैं। अब ये लोग एक्सप्रेस वे पे क्यों चढ़ गए पता नहीं, और स्पीड भी इनकी लगभग 100 की है, मेरी गाड़ी 100 पे चल रही है तो सेम स्पीड पे ये भी चल रहे हैं, 100 की स्पीड पे चल रहे हैं। खैर स्पीड इनके लिए इतना मैटर नहीं, अच्छी बाइक है ये, ट्रायम्फ की है अगली पता नहीं कौन सी है, लेकिन फिर भी रिस्की तो है ही। तो भाई हमने चूज़ किया है कि दिल्ली से नहीं जाएंगे, और अब हम जाएंगे पेरिफेरल से KMP से, तो इसलिए हमने
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को छोड़ दिया है और हम अब चढ़ गए हैं KMP पे। एक्सप्रेस वे पे भाई चढ़े तो थे, वो देख के टाइम कम है, लेकिन वो बाद में पूरा रूट देखा तो बांदीकुई से लेकर जा रहा था सीधा जयपुर, वो तो 20 मिनट कम टाइम ले रहा था, लेकिन हमें जाना है मानेसर उतर के और भिवाड़ी होते हुए दीपक भाई से कुछ सामान लेना है, तो इसलिए भिवाड़ी होके ही जाना पड़ेगा। वो वापस से वही उसने 20 मिनट बढ़ा दिए, तो टाइम तो अल्टीमेटली वो का वही रहा और 50 किलोमीटर का रास्ता बढ़ गया। खैर टाइम सेम है तो किलोमीटर दुख नहीं देंगे, क्योंकि स्पीड मेंटेन रहेगी, जाम में अपन कहीं फंसेंगे नहीं। दिल्ली में कोई भरोसा नहीं कहाँ पे भीड़ मिल जाए कहाँ जाम लग जाए, तो इसीलिए 50 किलोमीटर का कोई दुख नहीं है, लेकिन अपन जाएंगे सोटम सोट। अपनी जगह मत होते भाई, डाइवर्जन है, ट्रक वाला चला रहा फुल स्पीड में, मतलब वो वॉल्वो को ओवरटेक कर गया, ये फोर्ड के एंडीवर उसके पीछे हो गई। ट्रक वाले भाई तीनों लेन घेर के चलेंगे और जाने नहीं देंगे किसी को भी। अब ये तीन ट्रक एक लेन में चल रहे हैं एक साथ, एक राइट में, एक बीच में, एक जो ठीक मेरे आगे चल रहा है, ये देखो ये तीसरा भी दिख गया ना, तीनों चलेंगे एक साथ और तीनों से चला नहीं जा रहा ऐसे बस, चढ़ाई है तो भाई एक लेन में चल लो, दो लेन में चल लो, बाकी लेन तो खाली छोड़ो ना गाड़ियों वालों के लिए भी। गडकरी जी को भेजो, ये गडकरी जी भी क्या करेंगे, ट्रक थोड़ी चलाएंगे आके, इसके लिए तो कॉमन सेंस ही है ना, जो गाड़ी चला रहा है उसको खुद की चलान कटेंगे ना, जो कैमरे लगेंगे यहाँ पर। ये आ गया भाई हमारा जयपुर का बोर्ड, अब हमें उतरना है इस पेरिफेरल रोड से, आगे लेफ्ट उतरना है, फिर हम आ जाएंगे अपने मेन हाईवे के ऊपर जो दिल्ली जयपुर हाईवे, उस पे पता नहीं किस चीज का जाम है, लेकिन जाम है। तो हमारे दीपक भाई की गाड़ी मिल गई है और हमारे को दीपक भाई भी मिल गए हैं, क्या बात है, टूर एंड कर दिया हमने। तो भाई सेकंड ब्रेक के लिए रुके हैं रात के 9:15, अरे नहीं स्टारबक्स में नहीं, कोस्टा पे भाई, इसकी कॉफी पिला दें, क्योंकि अगर इस टूर में इसने कॉफी नहीं पी तो इसका टूर कम्प्लीट नहीं होगा। स्टारबक्स पे पीनी थी मेरे को, किस पे पीनी थी, हरी वाली औरत पे। बेटा जितने जेब में पैसे है ना उतने काम किया कर बस, ओके जा भाई। 325 रुपए की भी कॉफी आती है, देखो कैसे बन रही है, है? कुछ हो रहा है, स्टारबक्स पे 550 की होती है ये। अच्छा उसमें क्या होता है पता नहीं। तो भाई एक वॉल्वो ये है और दूसरी वॉल्वो जा रही है वो। तो भाई 1500 किलोमीटर की ड्राइव और 4 दिन के टूर के बाद फाइनली पहुंच गए घर, होम स्वीट होम, इससे बढ़िया तो भाई कुछ भी नहीं है। तो इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में।